हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। अपना सेट नंबर 3 है। अपन कर रहे हैं क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ओनली एंड ओनली ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया हो तो। पहला क्वेश्चन है आज का, तीसरे नंबर सेट का, कि डीसी जनरेटर के अंदर जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है, इसका मतलब क्या होता है? क्रिटिकल रेजिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? डीसी जनरेटर के अंदर बात हो रही है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस हमेशा डीसी जनरेटर के अंदर रिप्रेजेंट करता है अपने संट फील्ड को। अपना जो संट होता है जनरेटर के अंदर, संट वाइंडिंग होते हैं, उसके रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन क्या दे रखे, ब्रश फील्ड आर्मेचर लोड। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा फील्ड, यानी फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि संट फील्ड या क्रिटिकल रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है कि उसके बाद में वोल्टेज बनना बंद हो जाता है, या दूसरी भाषा में कहे तो सर्किट वो वाइंडिंग एज ए ओपन की तरह बिहेव करती है, ओपन सर्किट की बात बिहेव करती है, तो उसको बोल देते हैं अपन क्रिटिकल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, HRC फ्यूज होता है जो ट्रांसफार्मर के अंदर यूज में लिया जाता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। HRC फ्यूज के द्वारा ट्रांसफार्मर के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, तो वो किस प्रकार की फॉल्ट के प्रति होता है? ऑप्शन देख लीजिएगा, इंसुलेशन या इंटरनल या एक्सटर्नल या लो ऑयल लेवल। यदि आप फ्यूज की बात कर रहे हो और HRC फ्यूज, तो हमेशा एक्सटर्नल फॉल्ट के प्रति ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आंसर यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फॉल्ट। अगर इंटरनल फॉल्ट की बात करोगे तो इंटरनल फॉल्ट है उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है बुकोल्ज रिले। नाम सुना होगा आपने, बुकोल्ज या बुकोल्ज रिले। तो HRC फ्यूज हमेशा रेस्पॉन्सिबल है एक्सटर्नल फॉल्ट के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लैप वाइंडिंग का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक तो लैप, एक होती है वेव। अब इसको किस तरीके से याद रखना है, लैप एल से स्टार्ट है तो इसको रख दीजिएगा आप लो, लो वोल्टेज, ठीक है। अगर वोल्टेज लो हो गया तो इसके अंदर करंट हाई रहेगी, ओके। दूसरी तरफ इसका अपोजिट कर दीजिएगा, यहाँ पे वोल्टेज लो है तो यहाँ पे वोल्टेज हाई कर दीजिएगा, हाई वोल्टेज, वोल्टेज हाई है तो यहाँ पे करंट को लो कर दीजिएगा, लो करंट, ठीक है। तो लैप वाइंडिंग, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा, लो वोल्टेज कहाँ मिल रहा है आपको, लो वोल्टेज यहाँ दिख रहा है लेकिन करंट हाई होनी चाहिए, लो वोल्टेज, लो वोल्टेज हाई करंट, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्कॉट कनेक्शन किस लिए यूज में होते हैं? ट्रांसफार्मर के अंदर अपन स्कॉट कनेक्शन यूज में लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमेशा 3 फेज से 2 फेज में जाने के लिए स्कॉट कनेक्शन का यूज में लिया जाता है। 3 फेज वाइंडिंग को 2 फेज वाइंडिंग के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अपन लेते हैं स्कॉट कनेक्शन। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 फेज से 2 फेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपन काम में लेते हैं स्कॉट कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पावर फैक्टर बताना है। एक ऐसी सर्किट है उसका पावर फैक्टर बताना है जिसका इंपिटेंस दे रखा है आपको 16 ओम का, और यहाँ पे जो करंट है वो है 4 एम्पियर की, इससे फ्लो हो रही है, इस एम्पिडेंस से 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और आपको पावर फैक्टर बताना है, और आपको साथ ही साथ में एवरेज पावर कंजप्शन भी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एवरेज पावर कंजप्शन दे रखी है, तो पावर का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, पी बराबर VI cos ∅, ठीक है। अब देखिएगा, वी दे रखा है अपने को, वी कैसे निकलेंगे अपने पास, अपने को यदि करंट दे रखा है और अपने को इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस दे रखा है, तो इन दोनों की सहायता से अपना वोल्टेज निकाल लेंगे। तो वोल्टेज पी बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना हो जाएगा, I into R कर दूं मैं, या I into Z कर दूं। वोल्टेज की जगह मैंने रख दिया I into Z, I मेरा पहले से है into cos ∅। अब देखो I की वैल्यू कितनी है, 4 रख दी, Z की वैल्यू है 16, फिर से I की वैल्यू 4 into cos ∅, cos ∅ मेरे को निकालना है, और पावर मेरे को दे रखी है 200। अब इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेटर मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर, यहाँ से cos ∅ की वैल्यू निकालनी है, यानी 200 में 4 into 16 into 4 का भाग देना और उसका इन्वर्स कर देना, cos इन्वर्स, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल का ओनली अपन एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आंसर नहीं निकालेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ओनली आपको कंसेप्ट बताऊँगा। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे इसको कैलकुलेटर से, तो आंसर आएगा ये। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला यूज में करना है पहले, तो उसके बाद वोल्टेज की जगह रख देना I into Z, और कैलकुलेशन कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी ओनली कंसेप्ट बताएंगे आपको। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, पावर कंज्यूम्ड बाय ए बैलेंस स्टार कनेक्टेड 3 फेज लोड इज मेजर्ड यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड। यानी 2 वाट मीटर के, ध्यान दीजिए, एक न्यूमेरिकल पूछा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 3 वायर है तो कितने वाट मीटर काम में लगे, 5 वायर है तो कितने वाट मीटर काम में लोगे। तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, यदि एन वायर है तो वाट मीटर चाहिएगा n-1। एक नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है थ्योरी बेस पे, एन वाट वायर है तो आपको n-1 वाट मीटर चाहिए मेजर करने के लिए।
आगे कह रहा है कि जो फेज वोल्टेज है, आपके पास फेज वोल्टेज दे रखा है आपको 220 वोल्ट, साथ ही साथ में आपको फेज करंट दे रखी है 10 एम्पियर। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ द टू वाट मीटर, यानी डब्लू वन माइनस डब्लू टू आपसे पूछा गया है, यानी दोनों वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी। इफ द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम इज, यानी आपको जो पावर फैक्टर है वो दे रखा है 0.8 लेग, कॉस फाई मान लो आप 0.8 आपको लेग दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, डब्लू वन माइनस डब्लू टू आपको यहाँ पे निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले टोटल पावर कंज्यूम है वो किस तरीके से निकालोगे आप। टोटल पावर को मैं डब्लू वन प्लस डब्लू टू से लिख दूँ, टोटल पावर जो कंज्यूम होगी उसको आप लिख दीजिएगा 3 VPH इंटू IPH इंटू कॉस ऑफ फाई से, इस फॉर्मूले से लगाइएगा, एक इक्वेशन ये होगी। यहाँ से आपके पास देखो VPH की वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ से IPH की वैल्यू रख दीजिएगा और कॉस फाई की वैल्यू आपको दे रखी है, तो यहाँ से आपके पास डब्लू वन प्लस डब्लू टू की वैल्यू आ जाएगी, डब्लू वन प्लस डब्लू टू की वैल्यू आ जाएगी। आपको निकालना डब्लू वन माइनस डब्लू टू की। अब आपको एक फॉर्मूला और चाहिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला वो चाहिएगा, टेन फाई इक्वल टू अंडर रूट थ्री इंटू, ऊपर तो होता है डब्लू वन माइनस डब्लू टू और नीचे होता है डब्लू वन प्लस डब्लू टू, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, यहाँ से आपके पास डब्लू वन प्लस डब्लू टू की वैल्यू आएगी, वो आपको यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। और टेन फाई आपको यदि कॉस फाई दे रखा है तो आप टेन फाई भी निकाल सकते हो, कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। यदि कॉस फाई आपको दे रखा है तो यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल लीजिएगा और यहाँ पर टेन के साथ में कर दीजिएगा कैलकुलेटर से, और आपको यहाँ से ओनली डब्लू वन माइनस डब्लू टू निकालनी है और डब्लू वन माइनस डब्लू टू आपका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर जो फॉर्मूले काम में आए वो हो गया, एक तो डब्लू वन प्लस डब्लू टू बराबर रूट तीन VPH, ध्यान दीजिएगा फेज लिखा है मैंने, यहाँ पे फेज करंट लिखा है इंटू कॉस फाई, एक तो ये फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला जो काम आया है, टेन फाई इक्वल टू अंडर रूट थ्री डब्लू वन माइनस डब्लू टू अपन में डब्लू वन प्लस डब्लू टू, और आपको निकालना क्या है, डब्लू वन माइनस डब्लू टू, आंसर हो जाएगा ए, कैलकुलेशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। इसमें आपको क्या दे रखा है, परमिएबिलिटी दे रखी है, यानी जो म्यू होता है म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है, ये हो गया म्यू, म्यू बोलते हैं इसको। आपको इसमें निकालना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ला। अब फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है टेस्ला के अंदर, यानी आपको बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बी की वैल्यू बतानी है। अब देखो बी बराबर होता है म्यू इंटू एच, अब म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है ये रही, और एच एक फॉर्मूला तो ये काम आएगा यहाँ पे, और एक होता है एच बराबर होता है एन आई बाई एल, ठीक है। एन हो गया टर्न्स, आई होगी करंट, एल होगी उसकी लेंथ, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ बी इक्वल टू म्यू की जगह म्यू, एच की जगह एन आई बाई एल। अब ध्यान दीजिएगा म्यू की वैल्यू आपको ये दे रखी, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखा है 60, ये होगी 60, एन की जगह 60 रख दीजिएगा। करंट, करंट की जगह आपको 5 एम्पीयर रख देनी है। लेंथ की जगह 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको इसको मीटर में बदलना है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेशन करनी है। म्यू की वैल्यू रख दीजिएगा ये रही, यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स रख दीजिएगा, आई करंट रख दीजिएगा 5 एम्पीयर, और एल रख दीजिएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर द एड्डी करंट लॉस अकरिंग इन ए मटेरियल डज नॉट डिपेंड, यानी जो भंवर धाराएं होती है एड्डी करंट लॉस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सिंपल सा आपको एड्डी करंट लॉस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एड्डी करंट लॉस है वो दिया जाता है हमेशा बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू वी इंटू के ई हो गया कोफिशिएंट, ये है इसका, देखिएगा। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है क्या, बिल्कुल कर रहा है, यानी पहले पे डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन पूछा गया निर्भर नहीं है। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल एफ पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी डिपेंड है, इस पे भी डिपेंड है। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल वी पे डिपेंड कर रहा है, यानी वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है। सस्पेक्टेबिलिटी ऑप्शन में यहाँ पे कहीं नहीं है फॉर्मूले में, तो अपना आंसर हो जाएगा कि इसके ऊपर है वो डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला काम आया वो ये है, बी एम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी, ये फ्रीक्वेंसी होगी, ये थिकनेस होगी, ये हो गया इसका वॉल्यूम हो गया, ये हो गया कोफिशियंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, एक घर है उसके अंदर 70 वाट के 5 पंखे हैं, देखिएगा फैन है वो है 5 और एक फैन है 70 वाट का,
प्रतिदिन 16 घंटे काम करते हैं, यानी 16 आवर जलते हैं। और एक वॉशिंग मशीन है, एक है वॉशिंग मशीन जो 2000 वाट की है, ठीक है, और जून के महीने में 1 घंटे प्रतिदिन काम करती है, यानी एक दिन में 1 घंटे चलती है। जून का महीना, जून के महीने में घर की खपत किलोवाट क्या है, तो जून के अंदर होते 30 दिन। अब ध्यान दीजिएगा, 30 दिन तो सबसे पहले फ़ैन का निकालिएगा, 30 दिन के अंदर वो कितनी वाटेज लेगा। तो फैन देखो 70 वाट का है, कितने हैं 5 फैन हैं, एक दिन में चलता है 16 घंटे और दिन हो गए टोटल 30। इसमें 1000 का भाग दे दूँ ताकि के डब्ल्यू एच बन जाए, तो यहाँ पे तीन, ये 1010 कैंसिल, तो एक बचेगा 10, 5 का इसमें गया 2 बार, 2 का इसमें गया 8 बार, तो ये हो गया 8×56 3, 56 3 हो गया 36×18, 5×15 116, 168 वाट तो इसने फैन से ले ली। अब यहाँ पे आप निकालिएगा वॉशिंग मशीन का, वॉशिंग मशीन का निकालिएगा 2000 वाट की वॉशिंग मशीन है, एक दिन में 1 घंटे चलती है और 30 दिन चल रही है, और 1000 का भाग दे दीजिएगा, 30 कैंसिल, यानी 30×60 वाट खाली इसने वॉशिंग मशीन है, तो 168 और 60 टोटल जोड़ दीजिएगा 8, 6×6 12, असल रेक 1×1 2, यानी 228 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिटरमाइन द परसेंटेज वोल्टेज एरर, अपने को परसेंटेज वोल्टेज एरर निकालनी है ओपे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर विद द सिस्टम वोल्टेज आपको दे रखा है इतना, और इसका जो टर्न्स रेशियो दे रखा है आपको पास, और मेजर्ड सेकेंडरी वोल्टेज दे रखा है, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालनी है, परसेंटेज वोल्टेज एरर निकालनी है। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको ओनली यहाँ पे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, नहीं ये होता है उल्टा, मेजर्ड माइनस ट्रू होता है, परसेंटेज एरर होती है आपकी मेजर्ड माइनस ट्रू अपॉन में ट्रू मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ट्रू तो आपको दे रखी है 11000, ये तो होगी ट्रू। मेजर्ड कितनी आएगी, मेजर्ड वैल्यू आपको निकालनी है टर्न्स रेशियो के, इससे मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा, मेजर्ड वैल्यू आ जाएगी आपके पास 98×104, ठीक है, यहाँ से आपके पास मेजर्ड आ जाएगी, ट्रू है आपके पास 11000, ओनली इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला इसके अंदर ये काम लेना है, मेजर्ड माइनस ट्रू अपॉन ट्रू, और मेजर्ड कैसे निकाल लिए, जो सेकेंडरी वोल्टेज है यानी V2 है, इसको आपको टर्न्स रेशियो से गुणा कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ने हैविंग ए पावर फैक्टर ऑफ 0.8 कंज्यूम 40 वाट, यानी पावर इतनी कंज्यूम करते हैं उसका पावर फैक्टर इतना है, और इसका रिएक्टिव पावर क्या होगा, यानी VAR आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा यदि आपको पावर दे रखी है, यानी ये वाट में दे रखी है, सपोज कीजिएगा, देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर, कंसेप्ट है ओनली। यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दो, पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर किया करो। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पावर आपको दे रखी है ओनली 40 वाट, वाट का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये यूनिट है VI cos phi है, समझे इस चीज़ को, मतलब यहाँ पे वाट दे रखा है, यानी इसके साथ में वोल्टेज और करंट के साथ में cos phi है, ठीक है। यदि मैं इसमें cos का भाग दे दूँ, समझिएगा, cos का भाग दे दूँ, यानी इसमें दे रखा है मेरे को 0.8, cos phi का मैं भाग दे दूँ दोनों तरफ भाग दे दूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, ओनली VI आएगा, VI इक्वल टू 40/ cos phi की जगह लिख दूँ मैं 0.8, ध्यान दीजिएगा। और मेरे को निकालना है VAR का मतलब हो गया मेरे को निकालना है VI sin phi निकालना है मेरे को, समझे, VAR, तो यहाँ पे VI है मेरे पास, VI की वैल्यू है अपने पास 40/0.8, और इसको भी मैं sin phi से मल्टीप्लाइड कर दूँ, क्यों, क्योंकि इधर VI है तो इधर sin phi से मल्टीप्लाइड करूँगा और इधर भी sin phi से मल्टीप्लाइड करूँगा। sin phi कैसे निकलूँगा मैं, अगर cos phi मेरे पास 0.8 है तो कैलकुलेटर से निकलूँगा, sin phi आ जाएगा मेरे पास 0.6, ठीक है। तो इस तरीके से अपने इसको सोलो करेंगे, तो इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा, आपको दे रखा है 40 है, इसमें डायरेक्ट आप cos phi का भाग दे दीजिएगा और डायरेक्ट इसको sin phi से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। cos phi का भाग देते ही आपका VI बन जाएगा और sin phi से गुणा करते ही आपका VI sin phi बन जाएगा, और यही आपसे पूछा गया है, VAR रिएक्टिव पावर पूछी गई आपकी, ठीक है। तो कैलकुलेट करिएगा इसको, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फेज एंगल ऑफ ए बैलेंस 3-फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम, क्या पूछा गया है आपसे, फेज एंगल, इफ़ द फर्स्ट एंड द सेकंड वाटमीटर शो रीडिंग ऑफ द इतने, यदि पहला वाटमीटर इतनी रीडिंग बता रहा है, दूसरा वाटमीटर इतनी रीडिंग बता रहा है, तो फेज एंगल, तो डायरेक्ट अभी अभी हमने देखा था फॉर्मूला, √3
डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू अपॉन में डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास डब्ल्यू वन दे रखे, आपके पास डब्ल्यू टू दे रखे और आपको फाई की वैल्यू निकालनी है। निकाल दोगे? कैलकुलेटर से कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, इतनी तो कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे तो भूल जाओ, फिर आप सिलेक्शन सी बी टी टू या जेई क्रॉस कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट के प्रति कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर मैग्नेट यूज में होती है, मैग्नेट यूज रहेगी तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा रहेगी पहला, और हमेशा ये डिश पे वर्क करता है। तो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट हैव यूनिफॉर्मली डिवाइडेड स्केल, इसकी स्केल है वो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होती है, तो ये भी सही है इसका। दीज इंस्ट्रूमेंट सुटेबल फॉर बोथ, बोथ नहीं होता, ओनली डिश पे काम करता है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, ये ओनली डिश पे काम करता है और ये ऑप्शन कह रहा है कि दोनों पे। इसका स्ट्रेम मैग्नेटिक एरर है वो स्मॉल होती है, सही है। इसकी कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, यानी ये सब सही है, ओनली ये इसकी कंडीशन नहीं है, इसके बारे में ये चीज़ सही नहीं है कि ये एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल इज इतनी और मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी। यहाँ पे आपको दो चीज़ दे रखी है, एक तो इंटेंसिटी दे रखी है और एक सस्पेक्टेबिलिटी दे रखी है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछी है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगाएगा यहाँ पे इंटेंसिटी अपॉन में सस्पेक्टेबिलिटी। ठीक है, इंटेंसिटी की वैल्यू रख दीजिएगा ये रही, और सस्पेक्टेबिलिटी की वैल्यू रख दीजिएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये फॉर्मूला काम आएगा, इंटेंसिटी अपॉन सस्पेक्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको फ्लक्स बताना है, ध्यान दीजिएगा। थ्रो ए कॉइल व्हेन द रिलक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, आपको रिलक्टेंस दे रखा है और उसका प्रोड्यूस्ड एमएमएफ दे रखा है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको मान लीजिएगा फॉर्मूला नहीं पता है, आप कैसे करोगे? फॉर्मूला नहीं पता है, आपको फ्लक्स निकालना है, यानी समझिएगा फॉर्मूला नहीं पता है, थोड़े क्वेश्चन के कंसेप्ट से ही आप आंसर निकालोगे। फ्लक्स निकालना है और फ्लक्स की यूनिट वेबर, समझिएगा। और आपको दो चीज़ दे रखी है, एक दे रखा है आपको एम्पियर टर्न्स पर वेबर और एक आपको दे रखा है एम्पियर टर्न्स। ठीक है, अब इसमें से आपको एम्पियर टर्न्स को काटना है, तो किस यूनिट को ऊपर लिखना है, किस यूनिट को नीचे रखना है, समझिएगा, क्योंकि आपको चाहिए वेबर। मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं पता, तब बता रहा हूँ मैं, वैसे कंडीशन वैसे फॉर्मूला भी बताएंगे आपको। एम्पियर टर्न्स आपको काटना है, ओनली वेबर चाहिए, तो वेबर यानी ये, तो इसमें आपके पास वेबर कैसे आएगा? जब आप इस 48 के अंदर भाग देते हो इसका 4 का, ताकि यहाँ पे एम्पियर टर्न्स है और यहाँ पे एम्पियर टर्न्स पर वेबर है, अब ये वेबर आपके ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये वेबर ऊपर चली जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इस तरीके से। और वैसे आपका फॉर्मूला चाहिए तो इसका फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, देखिएगा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा अपना फ्लक्स का। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एमएमएफ अपॉन के अंदर रिलक्टेंस। ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है आपके, ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। यहीं से मैं दूसरा फॉर्मूला बनाऊंगा, एमएमएफ बराबर फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, फॉर ए डीसी मशीन शंट रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस वैल्यूज विल बी। डीसी मशीन हो रही है, डीसी मशीन के अंदर शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है और आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? किसकी बात हो रही है? डीसी मशीन के अंदर शंट रेजिस्टेंस होता है हमेशा हाई होता है, और उसका जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखिएगा, अब क्वेश्चन पूछा गया आपसे परमियंस, परमियंस होता क्या है? परमियंस होता है रिलक्टेंस का उल्टा। ठीक है, और अभी अभी हमने क्या देखा था, एमएमएफ बराबर रिलक्टेंस इनटू फ्लक्स। ठीक है, या रिलक्टेंस बराबर अपन ने देखा था, या पहले वाला ये फॉर्मूला है, एमएमएफ बराबर रिलक्टेंस इनटू फ्लक्स। यहाँ से रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, मेरे पास रिलक्टेंस हो जाएगा एमएमएफ अपॉन में फ्लक्स। ठीक है, और परमियंस क्या बन जाएगी मेरे पास, परमियंस इसका फिर से उल्टा कर दो रिलक्टेंस का, तो परमियंस मेरे पास हो जाएगी, इसका अपोजिट कर देता हूँ, फ्लक्स अपॉन में एमएमएफ। ठीक है, फ्लक्स को फाई से, एमएमएफ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें एफएम से, तो फाई अपॉन एफएम अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ ए सीरीज आरएलसी सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस। एक आरएलसी सर्किट है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है, उसका इंडक्टेंस दे रखा है, उसका कैपेसिटेंस दे रखा है, आपको बैंडविड्थ बतानी है। तो हमेशा आरएलसी सीरीज के अंदर बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है आर बाई एल। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जेईई ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर।
तो आर की वैल्यू यहाँ से देख लीजिएगा, आर की वैल्यू है 80 अपन में एल की वैल्यू है 2 मिली हेनरी, यानी 2 × 10⁻³। तो ये 10⁻³ ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻³, 2 का इसमें भाग गया 40, तो आंसर हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज वाइंडिंग रेजाइडियन, सिंगल फेज वाइंडिंग है उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो कहाँ पे होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग कहाँ पे होती है, रोटर में होती है, स्टेटर में होती है, आर्मेचर में होती है, कहाँ पे होती है। देखो सिंगल फेज मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, सेल्फ स्टार्ट करने के लिए उसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग में एक स्विच लगाया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और ये वाइंडिंग कहाँ पे सिचुएटेड होती है, ये हमेशा स्टेटर के अंदर रखी जाती है, स्टेटर वाइंडिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फील्ड ऑफ ए डीसी शंट मोटर गेट्स ओपनड वाइल द मोटर इज रनिंग, यदि मोटर रन कर रही है उसका फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो डीसी शंट मोटर है उसकी यदि फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा उसकी जो स्पीड है बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी, फील्ड को ओपन करते ही यानी ओपन सर्किट की तरह आती वेव और उसकी स्पीड हो जाएगी बहुत ज़्यादा हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन, आपको क्या करना होता है कि इंटरपोल वाइंडिंग को कहाँ पर रखी जाती है, डीसी मशीन होते हैं उसके जो मेन पोल्स होते हैं यानी आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए जो मेन पोल्स होते हैं उनके बीच में सीरीज के अंदर इंटरपोल वाइंडिंग को कनेक्ट किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपके सीरीज के अंदर, यानी आर्मेचर के साथ में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और इंटरपोल वाइंडिंग को क्यों कनेक्ट करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। इन लार्ज मशीन फ्लैट कॉपर स्ट्रिप्स नॉन एज, बड़ी बड़ी मशीनें होती है उसके अंदर जो कॉपर की जो फ्लैट स्ट्रिप्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं राइजर। तो ये था सेट 3, पसंद है तो लाइक कीजिएगा, डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, सजेशन हो कुछ तो भी कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, थैंक यू।